या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए स्कंदमाता की व्रत कथा। देवी भगवती के पांचवें रूप में स्कंदमाता की पूजा की जाती है और स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंदमाता पड़ गया, क्योंकि स्कंद माता की चार भुजाएं हैं और ये कमल के पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं, इसलिए इनको पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय जी हमेशा बैठे रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा से कार्तिकेय जी की पूजा भी स्वयं हो जाती है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, साथ ही अगर संतान की तरफ से कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या संतान को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, संतान की कामयाबी में बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं, तो ऐसे में देवी स्कंद माता का व्रत करने से इन सारी समस्याओं का भी अंत हो सकता है। देवी स्कंद माता को पूजा में पीले फूल अर्पित करने चाहिए और पीली ही चीजों का भोग भी लगाना चाहिए। भोग में देवी स्कंद माता को केले का भोग सबसे ज्यादा प्रिय होता है। अगर निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों को मिलकर देवी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और उपवास भी रखना चाहिए। देवी स्कंद माता के साथ साथ आज के दिन कार्तिकेय भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही अगर मन को एकाग्र करके और सच्ची श्रद्धा के साथ देवी स्कंद माता का व्रत कर लिया जाए और पूजा कर ली जाए तो कहा जाता है मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। अगर संतान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, या संतान आपका कहना ना मानती हो, या फिर आपकी संतान की तरफ से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में आज के दिन आप स्कंद माता की पूजा करने के बाद जो भी भोग देवी माँ को अर्पित करते हैं उसे प्रसाद स्वरूप अपनी संतान को भी जरूर दें। ऐसा करने से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी, साथ ही आपकी संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। देवी भगवती को स्कंद माता का रूप क्यों धारण करना पड़ा, इसके पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। और इस कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की और उसकी कठोर साधना और तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर एक दिन तारकासुर को दर्शन दिए। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके समक्ष आए। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे बस एक ही वरदान आपसे चाहिए, आप मुझे अमर हो जाने का वरदान दे दीजिए। अब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि देखो, जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें सदा अमर हो जाने का वरदान तो नहीं दे सकता। अब तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु फिर ऐसा ही कर दे कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे, और जब उनका विवाह ही नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी, इस प्रकार उसका सदा अमर रहने का वरदान भी मिल जाएगा। जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया तब उसने लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी पर अपना अत्याचार करना जब शुरू कर दिया तब हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान रहने लगा। सभी देवतागण भी उसके अत्याचारों से परेशान रहने लगे। तब एक बार सभी मिलकर भगवान शिव के पास जा पहुंचे। भगवान शिव के पास जाकर सबने अपनी समस्या एक स्वर में कही और उनसे इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा। सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें किसी भी प्रकार तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। और तब देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के बाद ही स्कंद भगवान का जन्म हुआ था। दरअसल स्कंद भगवान और कोई नहीं बल्कि कार्तिकेय भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं। स्कंद भगवान हमेशा स्कंद माता की गोद में बाल रूप में ही क्यों विराजमान रहते हैं, इसके पीछे भी पुराणों में एक कथा प्रचलित है। दरअसल देवी पार्वती ने ही अपने पुत्र को ऐसा श्राप दिया था जिसके कारण स्कंद भगवान अर्थात कार्तिकेय भगवान हमेशा बाल रूप में ही नजर आते हैं। आखिर क्या कारण था कि देवी पार्वती को अपने ही पुत्र को श्राप देना पड़ा, तो इस कथा के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जहां पर देवी पार्वती और भगवान शंकर एक खेल खेल रहे थे। पुराणों में इस खेल को कहीं चौसर के नाम से जाना जाता है तो कहीं इसे जुए का नाम भी दे दिया जाता है। बहरहाल खेल चाहे कोई भी हो, जब खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए तब
हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा नदी के तट पर चले गए। और इस प्रकार कैलाश पर्वत से जाने की बात जब कार्तिकेय को पता चली, तब वो माता पार्वती से सारी वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। और इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान वापस लेकर चले गए। अब इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के जाने से देवी पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर चले गए। पार्वती ने अपने मन की परेशानी अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई। तब मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने भगवान शिव के पास जा पहुंचे। अब इस बार खेल में गणेश भगवान जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माता पार्वती को सुनाया। इस पर माता पार्वती कहने लगी कि उन्हें अपने पिता को भी तो साथ लेकर आना चाहिए था। फिर क्या था, गणेश जी फिर से वापस भोलेनाथ की खोज करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने वापस कैलाश पर्वत पर लौटने के लिए मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। अब मूषक भी गणेश जी को छोड़कर भाग गए। और इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात जब भगवान शिव को सुनाई, तब भगवान शिव कहने लगे कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता जी पुनः खेल खेलने को तैयार होती हैं तभी मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भगवान शिव वापस पार्वती जी के पास पहुंचे तथा फिर से खेल खेलने के लिए कहा। इस पर देवी पार्वती हंस पड़ी और कहने लगी, अभी तुम्हारे पास क्या चीज ऐसी है जिससे खेल खेला जाए? भगवान शिव तो पहले से ही सारी माया रच चुके थे। देवी पार्वती की बात सुनकर भी चुप रहे। तब नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो बार पासे फेंकने के बाद गणेश भगवान समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य अपनी माँ पार्वती को बता दिया। बस फिर क्या था, देवी पार्वती को क्रोध आ गया, क्योंकि कार्तिकेय भगवान भी इस खेल का हिस्सा थे और वे पहले से ही जानते थे कि पासे के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिसके कारण ही भगवान शिव ये खेल जीत रहे थे। सबसे पहले तो देवी पार्वती ने कार्तिकेय को हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दिया। भगवान शिव को उन्होंने श्राप दिया कि सदा उन्हें गंगा की धारा का बोझ अपने सिर पर धारण करना पड़ेगा। नारद को कभी भी एक स्थान पर न टिकने का श्राप मिल गया। और भगवान विष्णु को देवी पार्वती ने श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा। और रावण को श्राप दिया कि केवल विष्णु ही तुम्हारा नाश करेंगे। इस प्रकार कहा जाता है कि देवी पार्वती के श्राप के कारण ही स्कंद भगवान हमेशा बाल रूप में स्कंद माता की गोद में विराजमान रहते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।